हाय दोस्तों, क्या हाल चाल है। सोचिए, मेरा नाम है आर्यन, एक के एक में वूफी, और आज हम आ चुके हैं दोबारा से आपके लिए खास वीडियो लेके। जो मैं हूँ, मैं आप और हमारी ग्रैनी, उसका बुढ़ा और उसकी कमजोर सी पोती, मतलब कि ग्रैनी थ्री खेल रहे हैं हम सीधे सीधा। और आज की इस वीडियो में हम करने वाले ग्रैनी थ्री का डोर एस्केप, जो कि पार्ट होने वाला ग्रैनी सीरीज का, जो कि मैं पहले ग्रैनी वन या टू पता नहीं कौन सा लाया था, मैं खुद भूल गया हूँ। अब मैं सिर्फ थ्री लेके आ रहा हूँ, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा मन कर रहा है। ठीक है, बाकी आज की वीडियो का लेके मैं 30 लाइक्स पूरा कर देना। और हाँ, अब से हर 4 दिन में एक नई वीडियो आ जाएगी, तो बिल्कुल तैयार रहना और डेली बेसिस पर आएगी। 4 दिन मतलब जैसे आज आ रही है, आज की 24 है, आज 24 को आ रही है, अगले 28 को आएगी ही आएगी, ऐसा नहीं कि डिले होगी, वो आएगी। ठीक है, बाकी आज का लाइक पूरा कर देना, वीडियो का देख रहे हो तो कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट्स में बहुत अच्छा लगता है, मैं रिप्लाई भी करता हूँ अभी। बाकी चलिए शुरू करते हैं, राधे राधे। तो इस गेम में क्या है, इस गेम में है फ्रंट पे लिखा है ग्रैनी थ्री, और यहाँ दादा खड़ा है, उसकी पोती खड़ी है, ग्रैनी ही नहीं है, क्या बात है। इजी नॉर्मल ग्रैंड ग्रैंड पानी बहुत चाहिए, हम दोनों चीज दोनों बुढ़ा बुढ़ी दोनों, गोरी बुढ़ी येरा बुढ़ा। साउंड वॉल्यूम ठीक ठाक है, थोड़ा और बढ़ाएगा। ग्राफिक्स क्वालिटी मीडियम थी, ज्यादा आप करेंगे तो भाई लैग वैग आ जाएगा पता। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, पाल छोटे से अजीब से लगे यार, बीच की मांग निकल रखी है भाई, बीच की मांग सलमान खान, हमारे यहाँ दिल्ली में ऐसे बोलते हैं बीच की मांग सलमान खान। ठीक है, बाकी हम आ चुके हैं ग्रैनी गेट के बाद। मुझे एक बात समझ नहीं आती भाई तेरी, तो ग्रैनी वन में इसके हाथों पकड़ पकड़ा गया, पिटका गया। ठीक है, तो तुझे समझ आ जानी चाहिए थी, किसी भी अनजान घर में नहीं जाते। ठीक है, फिर ग्रैनी टू में तुझे उठा के ले आए, तू फिर भी बच गया, लेकिन तू ग्रैनी थ्री में दोबारा जा रहा है, क्यों क्यों जा रहा है भाई। मतलब बंगला देख लिया तो बंगले में अच्छे लोग रहते होंगे, तुझे भाई सुनसान पड़ा हो बंगला भाई, खत्म हो जाएगा भाई, 3-3 बंदे वहां पे ये खड़ी, इसे इसे भाई कुछ भी हो, इसे पुरानी कार देख के आदमी आता कि भाई इससे तो हारा मैं भाई। यार क्यों भाई, तो पता है इसमें ना एक वो है ग्लिच, मतलब ग्लिच नहीं कहेंगे उसे, एक वो है क्या कहते हैं उसको, पलटवार ग्रैनी का, जिसमें तुम डोर एस्केप कर ही सकते हो, डोर एस्केप करना है तो मगरमच्छ वाला रास्ता बंद करना पड़ेगा। और ये लाइव बॉडी ठीक है, लग गई अब तो छोड़ो। हाँ, तो डोर एस्केप के लिए तुम्हें पहले मगरमच्छ वाला रास्ता खोलना पड़ेगा, फिर जाके भागना पड़ेगा, तुम ऐसा नहीं भाग सकते। तुम पहली बात तो ये आया, आता ही क्यों है उल्लू का पट्टा भाई, ग्रैनी फोर में भी दोबारा अपने आप ही आएगा फिर तो। इस बार इन्होंने हमें बेडरूम भी नहीं दिया, पहले तो बेडरूम दिया था फिर बेडरूम भी नहीं दिया, पहले हमें जेल दी थी उसमें बेड भी था, इसमें बेड ही नहीं है। कह रहे कि तू बहुत हमें मजे ले चुका यहाँ पे, अब नहीं ले पाएगा मजे, तू मेरे को चाहिए स्क्रू ड्राइवर भाई, स्क्रू ड्राइवर कहाँ मिलेगा इसका, पड़ा तो यहीं कहीं होना चाहिए था, ओ बाहर पड़ा है, चाहिए थोड़ा हो गया, लॉक पिक कहते हैं इसको यहाँ पे। तो भाई मैंने ग्रैनी थ्री पहले शायद नहीं खेला कभी भी, तो मैं पहली बार ही खेल रहा हूँ शायद से, मुझे नहीं पता इसमें क्या क्या चाहिए होती है। हमने ये खोल दिया है, हो सकता है छोटी छोटी आवाज से भी ग्रैंड पर ग्रैनी आ जाए। ये है इनका मेन डोर जो कि लॉक्ड है, और शायद दादा आ चुका है, इसे यहाँ बात कर लेते हैं, क्या पता दादा आ गया भाई, ये क्या चीज़ है भाई, कुछ नीचे आने का रास्ता बना रखा है उन्होंने, क्या चाहिए भाई तेरे को, पैड लॉक की चाहिए तेरे को, क्या चाहिए भाई, शायद आ गया भाई, भाई मार दी गोली, छी भाई भाई, मैं नीचे बैठा हूँ, वो मुझे देख रहा है, मैं उसे देख रहा हूँ, वो मुझे देख रहा है, मैं उसे देख रहा हूँ। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। और भाई एकदम गोली चला दी भाई ने, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी होता भाई, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। फिर दोबारा इस बार तो गेट खोल ही जाऊंगा, तो एक काम करता हूँ दादा को नीचे बुलाता हूँ, मैं
मैं इसमें जाकर छुप जाऊंगा। हो गया भाई, छुप दिया मैं। अब दादा नीचे आएगा, फटाफट ऊपर ऊपर हो जाऊंगा। वो दोनों नीचे गए शायद, तो मुझे फटाफट ऊपर जाकर छानबीन करनी चाहिए अब। चलो चलो, तो ये धुंधला धुंधला आता है यार, मैं कुछ नहीं है इनमें, तो भाग जाने का रास्ता है। ओके ये क्या चीज है, सेफ की, नाइस, बहुत अच्छे। ऊपर ना आ गया हूँ, इसमें क्या रखा है, कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें मैच बॉक्स पड़ा है। तो भाई लोग हमें मिल चुकी है हमारी सेफ की, वापस अपन सेफ खोलने आ रहे हैं। यहाँ कहीं सेफ होना चाहिए हमारा। पहले मैं सोच जाता हूँ क्या पता बुढ़ा आ जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा खतरा मुझे बुढ़े से है। उसका निशाना इतना तेज है भाई, वो दिमाग खराब कर देता है मेरा भाई। तुम बता, अगर एक बुढ़ा यहाँ सिर्फ सो जाए ना आके, तो मैं उसकी गन छीन सकता हूँ। उसे गन मेरे हाथ में आ गई ना, इन बुढ़ा बुढ़ी का जीना हराम कर दूंगा मैं। तो दोस्तों, जैसे कि हम सर्च करके आए हैं, पढ़ा रिसर्च करके आए हैं, हमें लगा है पता कि हमें सिर्फ एक गेट खोलने के लिए चाहिए, शेड, कंट्रोल पैनल, फिर फ्यूज, फिर पता नहीं क्या क्या, मतलब शेड खोलना है सिंपली। मैं पहले दिन जो हमने ना माना कतावार ना। अच्छा वो ग्रैनी है, मुझे लगा ग्रैंड पा, ग्रैंड पा तो भाई वहीं पर मर जाता मैं, जाओ समय देखा। मुझे इस वाले गेट पे आना है अंदर जाने के लिए, और इस वाले गेट पर ग्रैनी ना हो भाई, बहुत गंदा फटेगा। बहुत अच्छे, कोई नहीं है, वो फैक तो रखा है यहाँ पे, वेरी गुड, ये लगाया, वेरी गुड। हमें बोला ना इधर पर, इससे ऊपर वाले पे, ताकि मैं आगे जा सकूँ। ये नहीं, इससे आगे वो वहाँ पे लगाना होगा फ्लैग शायद, शायद मुझे पक्का नहीं पता, मैं सुक्का लगा रहा। वैसे भी ये बुड्ढा बुड्ढी यहाँ नहीं आ सकते, नहीं लग सकता भाई यहाँ पे, यहाँ पे लग ही नहीं रहा है, क्या करूँ। ये क्रोवार से खोलेगा, क्रोवार कहाँ से ले आऊंगा भाई, सिंपल सिंपल मुझे एक बार समझ नहीं आई। अगर मैं यहाँ आ भी जाऊँ तो मैं उस तरफ कैसे आऊंगा, कैसे, कुछ तो होगा ना जो मुझे नहीं मिल रहा है। ऊपर कैसे जा सकता हूँ मैं, ऊपर ऊपर भी जाने का रास्ता होना चाहिए ना। देखो जहां तक मैं ने सामान गिराया तो ग्रन नीचे ही होगी, ग्रहण खड़ी है। तो ग्रहण नीचे ही हो, ओके ऊपर तो आ गए हैं हम, कैसे ना कैसे बचते बचाते भाई, लग गया है यहाँ पे, क्या करूँ मैं। उसे देखा मुझे, कुछ देखा, ये कहाँ गया मैं, ये क्या चीज है, एक्सीलेटर क्या होता है ये भी बैड है भाई, पता नहीं ये किसी का तो भाई जाने में जाने से बैड लग रहा है। चलो वो भी नहीं है, द्राज व्राज जिसे भी कहते ना भाई, ये बड़े लंबी होने वाली भाई।
सिर्फ मेरे को एक एक्सीलेटर मिला है यहाँ पे, किसी काम का है ये भाई? फाइनली हमें मिल चुकी है यहाँ पे, मतलब कि मैं जस्ट नीचे नहीं आ रहा था, मैं नीचे आया मुझे मिली यहाँ पे आके वेपन की। भाई पहले क्यों नहीं आया मैं, तो ये सोच रहा हूँ भाई अब ये जो बंदे हैं नीचे ही हो सकते हैं, मुझे जितना लग रहा है। वेरी गुड, मैंने गिरा दिया है यहाँ तो वो जरूर रहेंगे, तो मैं इंतजार करूंगा थोड़ा सा कि वो चले जाए यहाँ से। यहाँ पे बुढ़िया बुढ़ा भी यही होना चाहिए, चली जाए प्लीज चली जाए, बहुत हो गया। एक काम बताओ ना, मैं इसको बुलाता हूँ यहाँ पे, मजा आवे। आजा उठर बजा, अभी यहाँ पे आएंगे फटाफट निकल लूंगा। जल्दी जल्दी आओ यार, जल्दी आओ भाई, इतना वेट नहीं कर सकते, बहुत वेट किया है ऑलरेडी। नहीं प्लीज, नहीं प्लीज, नहीं, अब आ जा। निकल गया निकल गया निकल गया निकल गया निकल गया भाई, निकल गया मैं कसम से भाई, क्या बचा हूं इनसे भाई मैं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया, इसे कहते असली मास्टरपीस भाई। चलो बड़ा फटाफट यहाँ छुप जाते हैं, बस वेपन की के पास, मतलब वेपन जहाँ छुपा हुआ मैं आ चुका हूँ, बस अभी ने बस थोड़ा सा हटाना है अपने रास्ते से। हाँ लगाई बोला तो ये मिल गया वेपन, तीन है हमारे पास। जी भाई गलती छोड़ दिया, नीचे आ जाए यहाँ से, ऐसे पत्थर लग लाता पहले, क्या पता दिक्कत पड़ जाएगी, शायद मुझे फिर शेड की मिल सकती है अगर मैं क्रो के पास जाऊँ। वैसे क्रो जो है वो बंदूक से नहीं मरता था, मुझे पता चल गया, तो मुझे उसके लिए वुड ढूंढनी ही पड़ेगी, वुड माचिस तो मुझे पता यहीं रखी है नीचे, वुड ढूंढनी पड़ेगी मुझे उसके लिए। अचानक ना मिल गया मुझे बस, उनको वरना दिक्कत हो जाएगी अचानक मिल गया तो। कौन है कौन है कौन है, बाहर आओ। अरे ग्रैनी क्या चाल, सिर्फ खोई है भाई, इससे ऐसे नहीं कर सकता मेरे को बुड्ढा जी, मुझे बुड्ढे को मार के बंदूक लेनी है उससे तभी कुछ हो सकता है, पत्थरों से तो क्या ही हो जाएगा इनका। ओके कोई तो आया भाई, हेलो ब्रो, बंदूक 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 बंदूक, बहुत हो गया तुम्हारा दिमाग खराब रख दिया, कर खराब करके रख दिया दोनों के दोनों, चल बहुत हो गया भाई, मैं लग रहा था मैं भी क्या नाम है सेंसेस खो दूंगा और गोली कहीं और से जाएगी, एक गोली बची एक गोली उड़ चाहिए, ढाई मिनट मेरे को टाइम मिला है, आराम से कुछ ना कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मुझे गोली नहीं चाहिए शायद। शिट बच गया भाई, अच्छा जाना ही था मुझे इधर नहीं आना है ऊपर, काम करता हूँ ना मैं इसको, मैं लोड करके यहीं छोड़ देता हूँ, लेकिन यहाँ तो बुड्ढा ले लेगा उसको, लेके जाना पड़ेगा।
वेरी गुड, अब ऊपर जाएंगे सीधा और वहां से गिराएंगे वो बास। पैडलॉक की वजह से ले जाएगा कभी था दूसरा वास, दूसरा वास बहुत बढ़िया। लेकिन उससे पहले काम करना है मुझे, बंदूक को रिटोर्ड करो, यहाँ रखो, इसे उठाओ, यहाँ पे लाया नहीं था यार, कुछ नहीं है। ऊपर जाना है मुझे, ऊपर 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 और ऊपर और ऊपर ऊपर। ओके यहाँ पे आ चुके हैं, मुझे ढूंढना है यहाँ से वो कहाँ है काटने वाला सीन। अब मुझे इसको ऐसे फेंकना है, वेरी गुड। अब मुझे नीचे आना फिर से, बंदूक उठानी अपनी, वो जार ढूंढना मुझे, वो जार गिरा कहाँ था लेकिन। वो टूटा हुआ हिस्सा कहाँ है, ऊपर से किस तरह था आयो भूल गया मैं। ओ ये रहा जा, ओके अगर मैं इसे यहां पे फेंक दूं तो चलेगा। चलो भाई देखते हैं अब इससे क्या होता है हमारा। कोइन से मैंने 2.5 मिनट के द्वारा फिर यूज कर दिया है उनको, ये दोनों मैंने जग भी रख दिए यहाँ पे। अब मुझे देखना है इस कोइन से होता क्या है। टिकट मिली भाई, टिकट कहाँ लगानी है मेरे को, वॉशरूम में तोड़ना पड़ेगा ये। लेके आएंगे हमारी शॉटगन, फिर इसे तोड़ेंगे तोड़ेंगे मत तोड़ेंगे थोड़ा सा तो तोड़ेंगे। मुझे जो क्रोबर वाली चीज़ अगर मैं बंदूक मार दूंगा तो वो टूटेगी नहीं क्या, लेकिन शॉटगन नहीं है, सॉरी गोलियां नहीं है। गोली खाने को यहाँ मिल जाए तो अच्छी ही बात होगी, क्या बात है गोलियां ही नहीं थी। मुझे खूले लेके आनी पड़ी कहीं और से जहां मुझे बहुत खतरा है। तो भाई फाइनली हम एक मैं दो गोली मिली थी वैसे तो, लेकिन पीछे बुढ़ा आ गया भाई, तो हम फाइनली कांच तोड़ सकते हैं। वेरी गुड, अब खुल जाएगा और मैं अंदर कूद गया। क्या मिला मुझे यहाँ पे, क्रोबार भाई, क्रोबार। सुनो मैं जो ये जो है ना इसको यहाँ नहीं रखूंगा, मैं इसको यहाँ रखूंगा, मैं कोई लेके नहीं गया बूटा। अब मैं देखता हूँ क्रोबार वाली चीजें कहाँ कहाँ है, कह रहा हूँ मुझे यहाँ चाहिए। क्या बात है, नहीं जाना, ये नहीं होना चाहिए। अब मेरे पास तो गोलियां भी नहीं है, क्या करूंगा। तो भाई मैं इतना अंधा इंसान हूं भाई, लेजिट मैं हो जाता हूं। मैं यहां से इतनी बार गया हूं, मैंने एक बार भी ये जेल मारी खोली नहीं, और मैं शेड के पीछे पागल हुआ पड़ा हूँ, शेड की यहाँ रखी। इसे कहते हैं भाई पागलों की हद पार करना। मुझे शेड की मिल चुकी है भाई, शेड खोलना आप बस। यहाँ क्या लगेगा, समथिंग इज मिसिंग हियर, वो तो है मेरे पास, वो यहीं कहती थी यानी। समथिंग इज मिसिंग हियर, अभी ठीक है लगा दी मंजिल ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ कर लिया जनरेटर, कर लिया
इसको मुझे कहाँ फेंकना है? चलो लेफ्ट में, मुझे समझ गया मैं इसको कहाँ फेंकना है वाला, कि मुझे फेंकना है उसकी उसमें जो झूलता रहता ना टू जाएंगे तो दौड़ गया। क्या पता ये भी मुझे कुछ दे दे, अब इसने कुछ ना दिया ना तो भाई घंटा ही है फिर ये सिलेंडर। क्या हलचल ब्रो, हलचल इसकी आत्मा को मुक्ति मिल गई भाई, कुछ छोड़ा इसने भाई पैटलॉक की, क्या बात है भाई मजा आ गया। यहाँ कोई है क्या? तो कौन सा हो गया? अगर मुझे यहाँ कोई मिल गया तो सब इसी तीसी हो जाएगी मेरी, इसी तीसी। मार दिया यार सर, मैं फेंक के मारती बंदूक अपनी, ऐसा थोड़ी होता है भाई, ऐसा थोड़ी होता है भाई, बंदूक से मार मार के उसको सर पे क्या मार रहा है। आखिरी दिन भाई, आखिरी दिन देखते हैं कुछ कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। पैडलॉक की तो खोल सकते हम, पैडलॉक की मिल चुकी है, पैडलॉक की पैडलॉक खेल अगर पार कर लिया तो कर लिया, वरना देखते हैं जो भी होता है। ऐसे ऊपर क्यों पड़ा है, फटाफट जाके ले गया तू। ये रनिंग फास्ट हो गई है, क्या पूछूं भाई मैं, भाई क्या फास्ट तरीके से आ रही थी वो मेरे गेट खोलते ही। ओके चला ले जाओ, एक काम करता हूँ नीचे आता हूँ, वो चीज़ फेंक के आता हूँ फिर नीचे ऊपर ऊपर आऊंगा। कुछ है यहाँ पे फेंकने लायक? भी नहीं, क्या करो फिर ऊपर चलते हैं। बाहर जा रही है, बाहर जा रही है, थोड़ा थोड़ा सा रुकते हैं, बाहर जा रही हो पैट लॉक की उठा रही मैंने, चार मिल सकता है ना, मैं फ्यूज मिल जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। चल चल जल्दी जला के दी, दिल मरना नहीं, ऐसे तो नहीं मरना। जल्दी आ जा ब्रो, मैं फंस जाऊंगा, आखिरी दिन है भाई, फंस जाऊंगा मैं। चल दूर लगना है सबसे बीच से उस तरफ, मुझे बीच में निकलना पड़ेगा। ओके आगे बढ़ो, यहाँ लगेगा फिर उस गेट को लिया भाई, अब सिर्फ मुझे बाहर जाना भाई, बस पार हो गया भाई पूरा गेम, बस अब बाहर जाना हो गया। आगे नीचे शेड का तो कोई काम है ना, फिर तो मुझे ऐसे मिल गया।
फटाफट चलते भाई, बाइक पार होने वाला। तो गेट खुल चुका है भाई, गेट तो खुल चुका है भाई। ये नहीं चाहिए था, इसको वापस लेके जाओ, ऐसा ना उस तरफ दादी खड़ी हो। भाई बाहर कैसे जाऊंगा ऐसे, तो काम बोल थोड़ी देर के लिए यहीं बैठना था, वो चले जाएंगे ना फिर आराम से। तो वैसे पार हो चुका भाई, लेवल भाई ग्रैनी ट्री डोर है, पार होने वाला है भाई बस। अब ये लास्ट डे है, मैं ऐसे एवेश नहीं कर सकता यार, फटाफट निकलना पड़ेगा बाहर कैसे। घूम के जाऊंगे, घूम के जाऊंगा भाई। ये लगे भाई यहाँ घूम के आने से पास ही था भाई। ओके आ गया, बस आ गया, हो गया भाई, हो गया। क्या बात है भाई, ग्रैनी थ्री डोर इसके पास है ना, पहली बारी है, मतलब पांच दिन तो लगे लेकिन पहली बारी में कर लिया भाई, समझ रहे हो तुम भाई। पहली बार ही हमने ग्रैनी थ्री का डोर एस्केप पार कर चुके हैं, जो सबसे हार्ड था भाई। मुझे कदम से ढाई घंटा लगा ये पार करने में। बाकी आज की वीडियो तो यही एंड होती है, और भाई मुझे कसम से बहुत पता है, मैंने पहली बार ढाई घंटे दिए किसी एक गेम के अंदर, कसम से भाई मजा आ गया। लेकिन गेम में बड़ा मजा आया ढूंढने ढूंढने में। मैंने कई बार वीडियो स्टॉप करके ढूंढा ढूंढा था कि हर मतलब बहुत बड़ी वीडियो ढाई घंटे की वीडियो काटनी मुश्किल होती ना फिर, तो भाई बड़ा मजा आया। तुम्हें भी ऑप्शन बड़ा मजा आया होगा। बाकी लाइक कर देना, 30 लाख का लाइक पूरा कर देना, उससे ऊपर भी कर सकते, तुम्हारी मर्जी है भाई। भाई कमेंट करना बिल्कुल मत बोलना भाई, कमेंट करोगे तो और अच्छा लगेगा, बहुत मन लगेगा भाई। बाकी ठीक है भाई, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। हमारे तरफ सबसे राधे राधे, धन्यवाद, ध्यान रखिए अपना, और कमेंट बताओ और कौन सी वीडियो आप पसंद करोगे, समझे। तो गैस द सॉन्ग करें क्या, बता देना कमेंट में, ठीक है। राधे राधे। Thanks. Love you. Forever.